अज मैं जा रहा एक खास जगह पर एक खास पिंड के बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है तो वो करके मैं लेट हो रहा है। देख रहे हैं हौली हौली चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक ज़्यादा भीड़ आ कि पिंड गलियों के भी इस वक्त ट्रैफिक हो पाएगा। फाइनली मैं अपने रिश्तेदार घर पहुँच गया तो मैं पी रहा है नींबू पानी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा तो इस रास्ते मैं जाना गा हूँ, बट ये बोर्ड का दरख्त बहुत ही पुराना। हेलो एवरीवन, सारन गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, मैं है कैफे दगड़, तुम देख रहे हो कैफे दगड़ ब्लॉग। उम्मीद करता कि सारे तुम ठीक ही होवोगे, ठीक ही रहना है। तो अच्छा मैं काफ़ी दिनों में ब्लॉग बनाने लग गया, थोड़ा काम से इस करके मैं ब्लॉग नहीं बना पाया सीगा। अज मैं जा रहा एक खास जगह पर एक खास पिंड के जोड़ा कि हर 12 साल बाद उजड़ता फिर वसदा गा, मतलब कि उत्तर बहुत ज़्यादा कट होने वाला है। मैं 2010 गया से उदो 2022 एवं हो रहा है। सूँ दस भी देव कि इतिहास की चीज़ का इतिहास यह कि जितने कि बेचारे बुजुर्ग दस दिन मैं कुछ पढ़िया कितों तो उत्थे कि एक बुजुर्ग सी उन्होंने सिंह मोहकम सिंह रंधावा नाम उन्हों का। तो इस पिंड ज़्यादातर रंधावे लोग गोती बहुत ज़्यादा रेंदे ने गे। ये पिंड का नाम है मीमसा जो कि धूरी के कोल तो संगरूर डिस्ट्रिक्ट पैंदा गा। तो मोस्टली मेरे उत्थे रिलेटिव ने, मैं उन्होंने को जाऊँगा। मोस्टली मैं कल जाना सीगा, थोड़ा काम से इस करके मैं नहीं जाया, तो अज मैं हूँ जा रहा सीगा। बहुत पुरानी गल आ गई जिम्मे पुराने बुजुर्ग दसते हैं जिम्मे मैं पढ़िया गा तो की होया कि वो अपने पिंड तो किसी एक पिंड तो दूजे पिंड जा रहे उजड़ के जाने कितों होर पास मोड़ एक पिंड होर पिंड जा रहे थे। अचानक की होया कि वो अपने गड्ढे पर जा रहे, उस समय गड्ढे होंगे सके तो वो अपने भाइयों नाल जा रहे, उन्होंने दो भाई होर से वो कट्ठे जा रहे थे। तो अचानक की होंगे गा तो उन्हों का बाबा मोहकम सिंह रंधावा का गड्ढे का एक जो धुरा हों टुट जाता है, उ खड़ जाता गड्ढा वो तो उन्होंने ठीक करन दे, भाई कहते ठीक रहा कि तुम अगे आ जाओ। बट की है गा उन्होंने मन इन्ना टिक गया उस पिंड के बच्चे, तो बट वो तो पहले पिंड नहीं सी, बट उस समय उस जगह पर उन्होंने बड़ा मन टिक गया तो उन्हें सोचा भी वो अगे नहीं जाएंगे हूँ। तो उन्होंने भाई ने बड़ा जोर लगाया भी तुम आ जाओ, बट वो जो बाबा जी सके मोहकम सिंह रंधावा जी तो उन्होंने दिल किया उत्थे हूँ नहीं जाएंगे, उन्होंने अच्छा लग्या माहौल तो उत्थे टिक गए थे। तो उन्होंने भाई से थोड़ा गुस्सा हो गए तो वो कहने चल कोई गल नहीं 12 साल बाद उधरोंगे तुम बसोंगे, तो इतना कुछ कहा से उन्होंने। तो उदू बाद कि उत्थे बस के उदू बाद पिंड की शुरुआत हुई सी, तो उही गल हुई 12 साल आए तो पिंड उजड़िया फिर बसिया। तो इस तरीके हिस्ट्री हैगी इतने की है ज़्यादातर रंधावे लोग गोती बहुत ज़्यादा रेंदे ने गे, जानि कि 12 साल जो भी उस घर के बच्चा जमद उ मत्था टका के आते होंगे ने जो भी 12 साल के जो भी। तो उदू बाद की है तो बहुत ज़्यादा इकट्ठ होंगे उ इस वक्त पूरा विआह वर्गा माहौल है उस पिंड हर घर के रिश्तेदार पूरे ऐन पूरा माहौल जबरदस्त बनया होगा। तो मैं भी बस उत्थे जा रहा सीगा, थोड़े टाइम तक मैं अपने दोस्त के नाल जावगा, वह भी आऊगा। तो और मैं पहले ही फोन करता सी कि तकरीबन 9:30 निकलना क्योंकि इकट्ठ बहुत ज़्यादा होना गा, भीड़ बहुत ज़्यादा। लास्ट टाइम 2010 गया सी बहुत ही ज़्यादा भीड़ सी, तो उत्थे लंघना भी मुश्किल हो जाता गा। तो उम्मीद करता कि सोनू भी अज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगू, एंड तक देखो सारा ब्लॉग देखिए, आप होर भी कुछ पता करने की कोशिश करेंगे भी इतिहास की है। जिते कर मैंने पता से मैं सूँ दसता, तो दस होर भी कुछ होगा आप लोगों तो पता करा और सूँ दसागा भी की गलबात है। नैक्सट की है एक गल होर अमेजिंग आ, 1.5 महीने तो लगातार उत्थे नगारा बज रहा है। नगारा कितने बजता से उन्हें एक पिंड की एक सांझी जगह है जिन्होंने बोलते दरवाजा, तो उत्थे लगातार उस जगह पर भी चलेंगे जिते उ जाकर मत्था टेकते हैं लोग, उस जगह भी बनी हुई है उत्थे भी चलेंगे। बट उम्मीद करता कि सूँ बहुत अच्छा लगेगा, थोड़े टाइम तक निकलेंगे, धुप भी बहुत ज़्यादा पैंती, गर्मी भी बहुत ज़्यादा गी, तो आप देखेंगे तो की बनता की नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा अमेजिंग है क्योंकि मैंने पता मैं 2010 जो देख गया से ना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सगा। तो बस अज फिर चल देंगे, जे कुछ होर आप नवी चीज़ पता लगेगी आप जरूर साझी करा कि गलबात किदा सगा, जिते कर मैंने पता से मैं दसता, फिर भी आप उस लोगों को पता करा मैं कि हिस्टरी से की इतिहास है वो पता करा। मैं खाना खाऊंगा उस तो बाद चलेंगे, तो फिलहाल हाले तो मैं तैयार पग मैं बन नहीं सी, बट मैं कमीज़ कला पाँगा गा तो फिर चल देंगे, तो मिलते आप थोड़े टाइम तक। ओके एवरीवन, मैं हो गया से तैयार, मैं मैंने 15 मिनट लगने जाने के लिए, तो मैं बिल्कुल तैयार हो चुका है। मेरी फैमिली वाले चले गए मोस्टली, मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं थोड़ा जहा काम सीखा इस करके मैं गया नहीं, तो हूँ मैं जाऊँगा। तो मेरा दोस्त भी घर है वो तकरीबन 9:30 पहुँच जाएगा मेरे को, फिर चलेंगे फिर सुनो मैं दिखाऊंगा कि कुछ होंगे उत्थे की नहीं। तो नैक्सट की है तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही, हवा बट चल रही है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा गी, तो दोपहर हो जाना गा। मैं ऐसा मैं जल्दी जावा, मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है तो वो करके मैं लेट हो रहा।
ओके अभी मैं 10 बज चुके ने हाल तक मेरे दोस्त नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा लेट हो गए। मैं 9 बजे पहुँचना सीगा तो बट हम तक मेरे दोस्त नहीं आया, मैंने वेट करनी पई हैगी। तो देख जाएंगे 5-10 मिनट होर मैं वेट करता फिर मैं करता फोन, तो वेट ही कर सकता हो तो की कर सकता मैं, तो पहले मैं फोन कर दाँगा। ओके एवरीवन 10-15 मिनटा बाद मेरा दोस्त आ गया, हूँ ही आएगा तो ये आ गया, तो बस चल देंगे। पहले थोड़ा लेट हो गए तो कमरा आया वो नहीं, बस चल देंगे। मोस्टली सानू जाने लिए 15-20 मिनट लगनगे, ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर तो, फिर करांगे उत्थे इंजॉय। तो धुप भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है कि कमल की वजह थोड़ा मैं लेट हो गया, मैं लेट नहीं होना चाहता सीगा। चलो एनीवे चल देंगे, बस मिलते आप सानू बाय बाय। या ट्रैफिक होया पे उरे पता नहीं की गलबात होगी, देख रहे हैं हौली हौली चल रहे हैं, काफ़ी है ट्रैफिक। ओके गाइस फाइनली असं पिंड पहुँच चुके हैं जिते ये मेला लगना गा, तो बट मैनू हुण तो इन्ना ज़्यादा ट्रैफिक नज़र आना शुरू हो गया, काफ़ी ज़्यादा गड्डियां खड़ी ने बाहर, तो बस जा रहे हैं भीड़ मैंने बहुत नज़र आई। बट लोगों ने घर देख सकते टेंट ही टेंट लगे हुए हैं, कि हर घर के टेंट लग्या होया इतने। ओके गाइज बहुत ही ज़्यादा इस वक्त भीड़, ट्रैफिक ही ट्रैफिक, दूर तक इस वक्त ट्रैफिक हैगा। बस मैं एक साइड दी विच लैके जा रहा गा, तो देख सकते हो इन्नी ज़्यादा भीड़, जो हूँ इन्नी भीड़ आ गई मनो कि उत्थे कितनी ज़्यादा भीड़ होगी जिते ये मत्था टेकन लोग जाते हैं गे, तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई हैगी। देखो गड्डी ही गड्डी खड़िया ने मेरे अगे तकर, गाइस देख सकते हो पिंड के आ गया सी मैं हम, तो चारे पास गड्डी गड्डी खड़ी, इन्नी ज़्यादा भीड़ आ कि पिंड दी गलियां दे विच भी इस वक्त ट्रैफिक होया पिया गा। हम तुसीं आप ही अंदाजा ला लो इत्थे कितनी ज़्यादा भीड़ आ गई। तो मैं हौली हौली जा रहा गा, तो मैं अपने रिश्तेदारों के घर जा रहा, कमर मेरा दोस्त पिछे आ रहा है, वह रास्ता भटक गया सीगा, उन्होंने लैके आया दोबारा तो फिर जाके। ओके गाइस मेरे रिश्तेदार सामने टेंट लगे, मैं उत्थे जाना गा, तो आह देख लो बस इन्नी की जगह तो कि ज़्यादा ट्रैफिक होया पे, आह देखो हम तो आप ही अंदाजा लगा लो। कमर आ गया इन मैं लभ के लेके आए गए, रास्ता भटक गया सीगा, तो बस मैं सामने रिश्ते घर, तो मैं उत्थे जा रहा गा। ओके फाइनली मैं अपने रिश्तेदार घर पहुँच गया, प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई हैगी, पानी पीने के रिश्तेदार मिल देंगे, तो गलों बातें करते उन्होंने मिल जाए थोड़े टाइम तक, उस तो बाद चलेंगे आप मेला जितने लग्या होगा तो वो भी सू दिखावे। फिलहाल मैं इस वक्त घर आया, गर्मी बहुत ज़्यादा इस वक्त पै रही हैगी। ओके फाइनली मैं बैठा सी घर के, इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी, तो मैं पी रहा गा नींबू पानी, ब्रदर इधर बैठा हुआ भी नींबू पानी पी रहा, तो कमर भी पानी पी रहा गा, तो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती, तो मैं इसमें दस नहीं सकता इन्नी ज़्यादा गर्मी पै रही है। रिश्तेदार बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, कुछ मैं मिल लिया, कुछ थोड़ा कुछ थोड़े टाइम बाद मिलूंगा, बट पहले नींबू पानी पी रहा। ओके गाइस एवरीवन मैं जा रहा सीगा जिथे मत्था टेके जाते हैं मेला जिते लगे उत्थे जा रहे थे, बट मैं देखे ना सारे इस वक्त तकरीबन जो देखा जाए पिंड पूरी रौनक लगे ने, हर घर टेंट लग्या होगा, जा रहे हैं कि तुर के जा रहे हैं पैदल, क्योंकि बहुत वधिया अमेजिंग लग रहा है। सुन 10-12 साल बाद यही सारा सिस्टम आता है, हर घर के कढ़ाइया भी चढ़िया हुई ने गिया, देखो यानी कि अमेजिंग हैगा जो देखा जाए सारा कुछ बहुत वधिया लग रहा है। यह चीज़ा बहुत घट देखने मिल दया ने पंजाब 12 साल बाद यह पिंड उजड़ता गा तो फिर वसदा गा। हरप्रीत परमिंदर आ रहे हैं, इधर भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा, तो इस रास्ते मैं जाना गा, हूँ बड़िया रौनक ने इस पिंड दे विच, ते हुण तकरीबन जिन्ने भी लोग पैदल ही जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पर भी जा रहे हैं, तो मेरी सलाह सी कि मैं बाइक पर जावां, बट मैं हुण तुरकी जा रहा गा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, लोगों ने सबील भी लगाई हुई हैगी, तो इतने लोग काफ़ी सेवा कर रहे हैं, छबील भी लगिया हुई ने गिया, छबील तो कंटिन्यू लोगों को पानी पिया जा रहा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा ही इस करके, तो काफ़ी ज़्यादा लोग सेवा कर रहे हैं इतने। पर गर्मी कि पै रही हैगी, सही गल है गर्मी बहुत ज़्यादा इस वक्त पै रही है, तुरके जा रहे हैं पैदल, रश बहुत आ दूर तक तुम देख सकते कि ज़्यादा इस वक्त रश हैगा, तुरके जा रहे हैं, बदले से अगे जा रहा है, मैं पानी पीन लग गया खड़ के, इस करके
तकरीबन 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का एरिया पैदल तुर के क्लीयर करना होंगे गा। ओके इतने बहुत ही पुराना एक बोर्ड का दरख्त हैगा, मैं वो नीचे खड़ा सीगा ते ए सीगा नाल टोबा के शाम बहुत ज़्यादा ही होते। चलो चलते हैं नैक्सट आप होर अगे। मैं खड़ा सी ठंडी ठंडी चल रही है, इतने मैं खड़ा सी लोग जा रहे हैं बहुत उड़े खड़ के फील होता भी हाँ बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है फील होता भी मेरे पहला लोग होंगे सो खेत बने सारे इतों की तुरके जाते होंगे सो वट्टो वट्टी जो लास्ट टाइम 2010 आया सगा पहला भी इतों तुरके खेतों में ही जाते होंगे सके बट हूँ आ सड़क राही जा रहे हैं तुरके सारे लोग तकरीबन मैं भी बस तुरके जा रहा सगा कमर थोड़ा कम हो गया थोड़ा टाइम बाद आऊगा वो हवा बहुत ही चल रही हैगी चले मैं 15-20 मिनट होर लगन गए काफ़ी दूर आए सामने वो दूर हले टेंट लगे ने उठे हैगा जिथे मेला लगता गा मैं उसे आ चुका सामने हैगा तो लोग काफ़ी ज़्यादा जा रहे हैं तो मैं भी उसे जा रहा है तुरके जा रहे हैं तकरीबन अद्धा घंटा ज़्यादा आ रहा है पैदल चलते सन तो बट उ जाकर देख रहे हैं उसे बहुत ज़्यादा इस वक्त भीड़ आ गई तो काफ़ी लोग जा रहे हैं तो वो सामने जो जगह बनी है इस वक्त उसे जा रहे हैं तो काफ़ी चेंज हो गए 10 सालों के बीच काफ़ी चेंज हो गया जाके देखता कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा धूड़ उड़ रही हैगी असी आ जगह पर पहुँच गए सके जिथे मेला लग्या होगा तो सामने समाध बनी है बाबा मोहकम सिंह रंधावा जी की काफ़ी ज़्यादा लोग इतने आए हुए ने गे पहला मैं फाइनली पानी पीना बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है सब तो मैनू समाध बनी हुई है वो वाली काफ़ी ज़्यादा उरे मेला भरया होगा तो नैक्सट की हैगा मैं सू नगारा दिखा जो कि रेगूलर काफ़ी टाइम तो बज रहा है तो ये वाला नगारा गा जो कंटिन्यूस बज रहा है ये उसकी हिस्ट्री ये बच्चा नगारा बजा रहा काफ़ी यार लोग बैठे ने गे। ओके हूँ अभी जा रहे हैं वापस जो जगह सी देखियो पिंड च बहुत पुरानी जगह बनी हुई हैगी तो एक गल होर इनू भदना भी कहा जाता है भव्य इतिहासक दद्दा नन्ने कहने उपर बिंदी भदना भी कहा जाता है इस चीज़ को काफ़ी लोग आ रहे थे काफ़ी लोग जा भी रहे हैं गे मोस्टली इतने हूँ तो मैं तकरीबन जाया सीगा तो हूँ मैं वापस जा रहा घर में तो मोस्टली सूँ लागे जो गद्दा घाटा जाने वास्ते क्योंकि दोपहरा हो चुके बहुत ज़्यादा गर्मी हैगी तो काफ़ी लोग आ रहे हैं गे इस वक्त तो मैं भी हूँ जा रहा घर में तो पानी मैं पी लिया जा रहा गे अपने रिश्तेदार के घर के उस बाद देख दिया कि बनता है हूँ तो मैं पैदल जा रहा गा अद्धा घंटा लग जूगा जाने बजाज का इस वक्त मोटरसाइकिल खड़ा बट BMW लोगो लगे हुआ खतरनाक मॉडिफाई कराया बाई ने कराया होया गा ते आ सीगा मेरे शौक थी पहले ही मैंने मॉडिफाई कराऊंगा मोटरसाइकिल। अच्छा BMW का लोगो लगाते थे? हाँ मैंने BMW का शौक थी पहले। अच्छा फिर मैं मोटरसाइकिल तो शुरुआत करी। ओके चल बढ़िया हो गया खतरनाक काम किया है ठीक है ठीक है। अभी ये तो बोल्ट का लगे है? हां बोल्ट का साइलेंसर है स्टार्ट करी साइलेंट साइलेंसर है अब बैक स्टार्ट ये तेरा का मोटरसाइकिल है? अच्छा ने मोटर मॉडिफाई कर लिया सी खतरनाक काम ने साडे भाई इस वक्त धुप की बहुत ज़्यादा धुप पै रही है कमरा तो इस वक्त कम खराब जो हो पाया तो इवें जा रहा है इधर मॉडिफाई मोटरसाइकिल तो आराम नाल जा रहा है तो मैं भी तुरके जा रहा है धुप तो इन्नी ज़्यादा हो रही है इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रही है
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਘਰੇ ਚਲੋ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਯਾਰ ਪਿਆਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਘਰੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਮਰ ਗਰਮੀ ਵਾਲੀ ਯਾਰ ਹੈਂ ਬਾਹਲੀ ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਮੋਸਟਲੀ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਟ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਰਮੀ ਬਾਕੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੈਠੇ ਥੱਲੋਂ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਜਾਣੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੋਨ ਬਸ ਕੱਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਲੱਗਿਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਉਰੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਤੇ ਕਮਰ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਬਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਚੜੂਗਾ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 2 ਜਾਂ 3 ਵੱਜਣਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਭੀੜ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਓਕੇ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਅਤੇ ਕਮਰੋਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਸੀ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਬਟ ਹਵਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਪੱਖਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂਗੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਮਲਵਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਆਪ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ A few moments later. Okay, finally, ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਓਕੇ ਐਵਰੀਵਨ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਘਰੇ ਬਸ ਹੁਣ ਹੀ ਆਇਆ ਗਾ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਪ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 1:40 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਗਾ ਇਸ ਵਕਤ ਦੱਸ ਕੇ ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਜੀ 10:30 ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੀਊਂਗਾ ਪਾਣੀ ਓਕੇ ਐਵਰੀਵਨ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਰੈਸਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਆ ਕੇ ਸੌ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੋਰਨਿੰਗ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਾਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥਕਾਨ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ ਪੈਦਲ ਵੀ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ A few moments later. Okay everyone, ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਟੈਰਿਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੈਸਟ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁਣ ਆਇਆ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਟੈਰਿਸ 'ਤੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਉਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੌਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਮੁਰਝਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਗਰਮੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਪੌਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੀ ਕੁਛ ਸੁੱਕ ਵੀ ਗਏ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲੈ ਕੇ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੁੱਕ ਗਏ ਫੁੱਲ ਫਲ ਸਭ ਝੜ ਗਏ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਰਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਪਾਊਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਪੌਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੂਟੇ ਹੁਣ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਧਰ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਨੇਗੇ ਅਤੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣੇਗੇ ਪਾਈਪ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁੱਕਣ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾਲਾ ਬੂਟਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਕਿਆ ਪਿਆ ਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬਚ ਜਾਣ ਬੂਟੇ ਤਕਰੀਬਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਉਹ ਸ਼ਿਟ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਪਾਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ
ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਨੀਚੇ, ਕੰਮ ਪਿਆ ਪੈਂਡਿੰਗ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ। ਓਕੇ ਐਵਰੀਵਨ, ਮੈਂ ਘਰ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਬਲੌਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਸਾਰੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵਾਰ ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਊਡ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਲੌਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਦੁਪਹਿਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਫੋਨ, ਤਬੀਅਤ ਮੇਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਕੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਬਲੌਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਆਪਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਾਰੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਾਏ ਬਾਏ।